लोकसभा की कार्यवाही सोमवार यानी कि 1 जुलाई तक स्थगित। सोमवार सुबह 11 बजे फिर शुरू होगी सदन की कार्यवाही। नीट मामले को लेकर लोकसभा में जबरदस्त हंगामा। पेपर लीक पर सदन में चर्चा की मांग पर अड़ा विपक्ष। राहुल गांधी ने लोकसभा में नीट का मुद्दा उठाया, बोले पहले नीट परीक्षा पर चर्चा हो। स्पीकर ओम बिरला ने कहा पहले राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा। सदन से बाहर भी राहुल गांधी ने की नीट परीक्षा पर चर्चा की मांग, बोले परीक्षार्थी घबराए हुए हैं। संसद से ये मैसेज जाना चाहिए कि सरकार और विपक्ष उनकी चिंताओं को साथ लेकर चल रही है। राहुल गांधी बोले ये छात्रों के भविष्य का सवाल है, नीट पर पहले बहस होनी चाहिए। पीएम मोदी को भी चर्चा में भाग लेना चाहिए। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे पर भड़के संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, बोले सरकार इस मुद्दे पर जवाब देने के लिए तैयार। कांग्रेस पर संसद की गरिमा को ताक पर रखने का आरोप लगाया। राज्यसभा में भी नीट मुद्दे पर विपक्ष का हंगामा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने की पेपर लीक पर चर्चा की मांग। हंगामे के चलते दोबारा स्थगित हुई सदन की कार्यवाही। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले सरकार में पेपर लीक गंभीर समस्या, पिछले 7 साल में 70 बार पेपर लीक हुए, सदन में इस मामले पर चर्चा जरूर हो। राज्यसभा में हंगामे के दौरान वेल में पहुंचे नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सभापति जगदीप धनखड़ बोले ये दिन भारतीय संसद के इतिहास में एक धब्बा बन गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले मैंने सदन में 10 मिनट तक हाथ ऊपर करके रखा, लेकिन चेयरमैन ने मेरी तरफ नहीं देखा, जानबूझकर मुझे नजरअंदाज करके मेरा अपमान किया गया। उनका ध्यान खींचने के लिए मैंने ऐसा किया। विपक्ष के हंगामे के बीच सरकार के बचाव में आए पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस सुप्रीमो एचडी देवगौड़ा, बोले सीबीआई जांच हो रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, सरकार ने बिल्कुल सही फैसला लिया। देवगौड़ा ने हाथ जोड़कर विपक्ष से नीट मामले पर हंगामा ना करने की अपील की, बोले जांच जारी है, विपक्ष को समझदारी दिखानी चाहिए। लोकसभा में हंगामे के बीच कांग्रेस का स्पीकर पर बड़ा आरोप। दीपेंद्र हुड्डा बोले नीट पर चर्चा की मांग के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का माइक बंद किया गया। नीट मामले पर सदन में विपक्ष के हंगामे के बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, बोले विपक्ष भ्रम ना फैलाए, सरकार जवाब देने के लिए तैयार है। शिक्षा मंत्री बोले हम लीपापोती नहीं कर रहे, विपक्ष नीट पर चर्चा में सहयोग करे, पेपर लीक के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। नीट को लेकर संसद में विपक्ष के हंगामे पर बरसे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, बोले सरकार इस मुद्दे को लेकर गंभीर, सदन की कार्यवाही रोक कर विपक्ष को क्या मिला। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा। सरकार की ओर से सुधांशु त्रिवेदी ने की बहस की शुरुआत, कांग्रेस पर जमकर हमला। विपक्ष का ध्यान सवाल पर नहीं बवाल पर है, फेल होने वाले थर्ड डिवीजन पर खुश हैं। धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान बोले बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी। सुधांशु त्रिवेदी बोले नेहरू और पीएम मोदी की तुलना नहीं हो सकती, कांग्रेस में सर्वसम्मति के बगैर नेहरू पीएम कैंडिडेट बने, नरेंद्र मोदी सर्वसम्मति से बने हैं तीसरी बार पीएम कैंडिडेट। राज्यसभा के वेल में हंगामे के दौरान कांग्रेस सांसद फूलो देवी की तबियत बिगड़ी, एम्बुलेंस से राम मनोहर लोहिया अस्पताल लेकर जाया गया।